दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। स्पीच के माने आते हैं बातचीत के, वार्तालाप के, और पार्ट्स के माने जो भाग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं। जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, यानी अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं या कोई जुमला बोल रहे हैं तो उस एक सेंटेंस के अंदर कई चीज होंगी जिसको हम आज जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ होते हैं। आठ प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी जब हम बात करते हैं तो आठ ऐसी चीजें हैं जो हमारी वार्तालाप के बीच में आती हैं, और इनसे मिलकर ही हमारी बात पूरी होती है। सबसे पहले आता है नाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एट होते हैं, ये जरूरी है याद रखना कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नाउन, दूसरे नंबर पर प्रोनाउन, तीसरे नंबर पर वर्ब, चौथे पर एडवर्ब, एडजेक्टिव, और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये नाम है, बाकी हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। बेसिकली इनके नाम भी काफी इंपोर्टेंट रहते हैं कि वो आठ आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो वो यही रहते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम इनको एक एक समझते हैं कि ये होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो नाउन होता है, नाउन का मतलब बेसिकली नेम होता है। नाउन मीन्स नेम, नाउन मीन्स नेम। नेम किसका नेम? नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी स्थान का नाम, और थिंग किसी चीज का नाम। यानी किसी इंसान का नाम नाउन होता है, किसी जगह का नाम भी नाउन होता है, और किसी भी चीज का नाम भी नाउन होता है। तो इसीलिए नाउन को आपको याद रखना है नाम से, है ना। नाउन मीन्स नेम या नाम। इंसान का नाम हो सकता है, जैसे कि राम, राम किसी इंसान का नाम है तो ये एक नाउन होगा। इसी तरह सीता किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, तो सीता भी एक नाउन होगा। तो किसी इंसान का नाम, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मेल हो या फीमेल हो, किसी का भी जो नाम होगा वो नाउन होगा। किसी स्थान का नाम, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, या फिर आप वाशिंगटन, यानी पूरी दुनिया में किसी भी जगह का नाम, अमेरिका, इंडिया, कोई भी देश का नाम, किसी स्टेट का नाम, किसी शहर का नाम, किसी गांव का नाम, किसी कस्बे का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी मोहल्ले का नाम, ये सारे के सारे नाम चले जाएंगे नाउन में। हमें देखना ये है कि किसी स्थान का नाम, जगह का नाम होना चाहिए। जगह में मोहल्ला हो सकता है, शहर हो सकता है, गांव हो सकता है, या फिर पूरा एक देश हो सकता है। इसी तरह किसी चीज का नाम भी नाउन होता है, जैसे कि बुक, बुक एक किताब को बुक कहते हैं तो ये भी नाउन होगा, और पेन, पेन भी एक नाउन होगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नाउन का मतलब नाम, नाम किसी इंसान का नाम नाउन, किसी जगह के नाम को नाउन कहते हैं, किसी चीज के नाम को भी नाउन कहते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन और नाउन आपको एक ही साथ समझने हैं। प्रोनाउन में, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि राम, राम क्या है? एक नाउन है, क्योंकि इंसान का नाम है, मेल का नाम है राम, तो राम एक नाउन है। लेकिन हमें पता है कि राम अगर हमारी आंखों के सामने ना हो तो हम राम के लिए क्या यूज कर लेते हैं? ही, है ना। तो ही हम राम के लिए यूज करेंगे तो राम एक नाउन है, लेकिन राम के स्थान पर जब हम ही का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोनाउन बनेगी। तो आप समझ गए हैं डेफिनेशन में क्या कह रहे थे। डेफिनेशन में कहा था कि एक प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर राम की जगह पर मैं ही का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप जानते हैं कि मेल है राम, इसीलिए ही मेल के लिए या पुरुष के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह सीता, आपने यहाँ पर देखा था सीता, सीता क्या है? एक फीमेल है, लेकिन है तो एक इंसान ही, तो एक नाउन है, सीता एक नाउन है, लेकिन मैं सीता के स्थान पर शी का इस्तेमाल कर सकता हूँ जब वो हमारी आंखों के सामने ना हो। यानी अगर वो मौजूद ना हो तो हम बोलेंगे ना वो, जब वो बोलेंगे तो वो के लिए इंग्लिश में शी बोलते हैं। तो क्या है कि जो शी है वो प्रोनाउन है, और ये शी इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? सीता के लिए। तो सीता के स्थान पर हम शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
नाम ना लेकर। इसी तरह भी अगर हम बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल मैं भी हूँ, मेरे दोस्त भी, हम सब एक साथ बैठे हुए हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं सबको अपना, सबका नाम तो नहीं बताऊंगा। किसी की अगर मेरे पर कॉल आ जाती है तो मैं क्या बोलूंगा कि हम सब यहीं पर हैं, है ना, हम सब लोग, तो नाम तो नहीं बताएंगे। तो नाम के स्थान पर हम क्या यूज कर लेंगे, वी, और वी एक प्रोनाउन है। इसी तरह यू, जब हम किसी से बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, तो हम सामने वाले को क्या बोलते हैं, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। तो हम कई बार नाम नहीं लेते स्टूडेंट का या सामने वाले का, नाम नहीं लेते, हम तुम या आप बोल देते हैं। तो ये जो तुम है ये भी एक प्रोनाउन है। इसी तरह आई, मैं अपना नाम नहीं लेता, अपने नाम की जगह मैं कई बार आई यूज करता हूँ, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, इस तरह जब हम बोलते हैं। तो ये जो मैं है हिंदी में और इंग्लिश में, मैं को आई बोलते हैं। इसी तरह एक, किसी जगह का नाम ना लेकर हम बोल देते हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ, तो जगह के स्थान पर हम इट यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रोनाउन का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जब हम नाउन का नाम नहीं लेते, यानी हम किसी का नाम ना लेकर दूसरे शब्दों का यूज करते हैं, तो वो दूसरे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। जैसे कि राम के लिए ही, सीता के लिए शी, वी, यू, आई, इट, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब का भी बेसिकली मतलब होता है एक्शन, यानी जो भी हम काम करते हैं, सोने का काम, चलने का काम, लिखने का काम, पढ़ने का काम, उठने का काम, ठीक है, जितने भी तरह के एक्शन हैं वो सब वर्ब कहलाते हैं। तो वर्ब का आपको कैसे याद रखना है, एक्शन, एक्शन बोले तो वर्क, काम, टास्क। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब, द वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज हम किसी एक्शन को या किसी स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। यानी जब भी हमें कोई एक्शन बताना होता है या किसी की कोई कंडीशन बतानी होती है, तो हम यूज करते हैं वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल, गो, जाना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, रन मीन्स दौड़ना। तो ये सारे एक्शन है, चलने का भी एक काम होता है, आने का भी एक काम होता है, और दौड़ने का भी एक काम होता है, तो ये वर्ब कहलाएंगे। इसको सेंटेंस में देखते हैं, ही रीड्स द बुक, यहाँ पर ऐसा लगा लेना, ही रीड्स द बुक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रीड है, रीड मीन्स पढ़ना, ही माने वह, रीड्स माने पढ़ता है, द बुक किताब को, कि वो किताब को पढ़ता है, तो पढ़ने का एक काम हो रहा है, तो रीड क्या बन जाएगा सेंटेंस में, वर्ब। इसी तरह जॉन इज ईटिंग द फ्रूट, यहाँ पर जो काम किसका हो रहा है, खाने का, यानी जॉन खा रहा है किसको, फ्रूट को, तो इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो खाने का हो रहा है, तो ईटिंग क्या बन जाएगा, एक तो वर्ब बन जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली वर्ब का मतलब आता है काम, वर्ब का मतलब आता है काम, एक्शन, क्रिया, कोई भी क्रिया, किसी भी तरह की क्रिया वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के अंदर कुछ ऐड करने के लिए बोलते हैं, या फिर एडजेक्टिव में कुछ ऐड किया जाता है, या फिर एडवर्ब में ऐड किया जाता है। यानी जब हम वर्ब में कोई चीज ऐड कर देते हैं, या फिर एडजेक्टिव में ऐड कर देते हैं, या फिर एडवर्ब में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो, गो क्या है, एक वर्ब है, गो मीन्स जाना। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूंगा गो फास्टली, तेजी से जाओ, तो गो तो एक वर्ब है, गो मीन्स जाना, लेकिन फास्टली, तेजी से जाओ, ये जो तेजी से जाने का मतलब है, ये इसका एडवर्ब होने का, यानी हमने वर्ब में तेजी ऐड कर दी है ना, जब हम बोलते हैं गो फास्टली, गो स्लोली, है ना, इस तरह से। तो गो क्या था, एक वर्ब था, लेकिन हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, फास्टली, तो फास्टली एक एडवर्ब बन जाएगा। इसी तरह स्पीक लाउडली, भाई स्पीक माने बोलो, बोलो कैसे, बोलो लाउडली, तेज आवाज में, तो स्पीक एक वर्ब है, भाई बोलना एक एक काम है, एक एक्शन है, लेकिन बोलना कैसे है, लाउडली, तेजी से। तो हमने बेसिकली एक वर्ब में एक एडवर्ब को ऐड कर दिया है। इसी तरह ही इज वेरी गुड, यहाँ पर देखो ये तो एक्शन का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन यहाँ पर ही इज वेरी गुड, अब यहाँ पर आप देखिए गुड, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है गुड, लेकिन हमने क्या बोला, ही इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा, अच्छा नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है, तो हमने गुड की जो एक वेराइटी थी उसको वेरी से बढ़ा दिया है। तो जो वेरी है ये एडवर्ब बन जाएगा किसका, गुड एडजेक्टिव का, गुड एक एडजेक्टिव है, तो वेरी इसका एडवर्ब बन जाएगा। इसी तरह रन वेरी फास्ट, देखो रन एक वर्ब है
और फास्ट इसका एक एडवर्ब है, लेकिन वेरी वेरी फिर एडवर्ब है, तो यहाँ पर रन एक वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, और वेरी इसका भी एडवर्ब है, तो यहाँ पर एडवर्ब का एडवर्ब है। तो ये जो एग्जाम्पल है, हमने वर्ब में एक्शन, हमने वर्ब में एडवर्ब को ऐड किया है, स्पीक में भी स्पीक वर्ब है और ये इसका एडवर्ब है। और इसी तरह हम देख रहे थे कि एडजेक्टिव में भी कुछ ऐड किया जाता है। एडजेक्टिव में कैसे, जैसे कि ही इज वेरी गुड, गुड एडजेक्टिव है और वेरी इसका एडवर्ब है, ठीक है। इसी तरह एडवर्ब में भी ऐड किया जाता है, जैसे कि रन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ो, देखो दौड़ो, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, ये तो अगर मैं बोलता रन फास्टली तो रन तो वर्ब रहता, फास्टली इसका एडवर्ब बन जाता, लेकिन यहाँ पर वेरी भी आ रहा है, तो यहाँ पर दो एडवर्ब है, तो एक जो फास्ट है पहला एडवर्ब है, और जो वेरी है ये सेकेंड एडवर्ब है, तो यहाँ पर एडवर्ब का एडवर्ब है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है बेसिकली क्वालिटी, यानी विशेषता, किसी इंसान की कोई क्वालिटी या किसी की विशेषता, किसी की कोई खूबी जो होती है उसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको देखते हैं, अ वर्ड विच सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी होती है, जो विशेषता होती है, वो एडजेक्टिव कहलाती है। जैसे कि ब्लैक काला, और बिग माने बड़ा, स्वीट माने मीठा, ब्रेव माने बहादुर। तो देखो ये सब चीजें, ये क्वालिटी है किसी इंसान की, है ना, ये क्या है क्वालिटी, बड़ा छोटा है ना, और मीठा कड़वा, घटिया और झूठा सच्चा, है ना, तो ये क्या है क्वालिटी है। तो इसको देखें, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो इस सेंटेंस में जो गुड है, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी वो स्टूडेंट तो है लेकिन कैसा है, अच्छा स्टूडेंट है, तो जो गुड है वो यहाँ पर एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन में ये बताता है कि उनका दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या संबंध है। प्रीपोजिशन को आप, मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा, प्रीपोजिशन इसका काम होता है या तो दो नाउन को कनेक्ट करेगा, या दो प्रोनाउन को कनेक्ट करेगा, या एक नाउन को प्रोनाउन से, या एक नाउन को नाउन से जोड़ेगा। एक बार और समझा आप इसको, प्रीपोजिशन का काम ये है कि या तो ये दो नाउन को आपस में जोड़ेगा, या दो प्रोनाउन को आपस में जोड़ेगा, या फिर एक नाउन को प्रोनाउन से, या फिर प्रोनाउन को नाउन से। और प्रीपोजिशन के जो वर्ड होते हैं, इनका अपना कोई मतलब नहीं होता, इनका अपना कोई मतलब नहीं होता, बल्कि ये दूसरे वर्ड से मिलकर अपना मतलब पूरा करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान होगा। देखिए टू टू मा टू टू का अपना कोई मतलब नहीं है, इन टू इसका भी कोई मतलब नहीं है, ओन इसका भी कोई मतलब नहीं है, फ्रॉम इसका भी मतलब नहीं है, ओवर इसका भी मतलब नहीं है, यानी ये जो है सारे के सारे प्रीपोजिशन है। अगर ये अकेले हैं तो इनका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन से जुड़ जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ेंगे, तो इनका मतलब निकल कर आता है। बेसिकली प्रीपोजिशन का अपना कोई मतलब नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा काम क्या है प्रीपोजिशन का, कि या तो दो नाउन को जोड़ेंगे, या दो प्रोनाउन को जोड़ेंगे, या एक नाउन को प्रोनाउन से, या एक प्रोनाउन को नाउन से। देखते हैं, राम इज वरीड अबाउट सीता, राम इज वरीड अबाउट सीता, यहाँ पर राम एक नाम है किसी इंसान का, तो ये नाउन है, सीता भी एक नाउन है, तो इस सेंटेंस में दो नाउन है, राम एंड सीता। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अबाउट, ये एक प्रीपोजिशन है, तो राम परेशान है, राम इज वरीड, राम परेशान है अबाउट सीता, सीता के लिए। तो देखो राम किसके लिए परेशान है, सीता के लिए, तो सीता का जो और राम का जो रिलेशन है वो अबाउट दिखा रहा है, यानी अबाउट राम और सीता को जोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो अबाउट प्रीपोजिशन है, इसने दो नाउन को जोड़ दिया है। नेक्स्ट देखें, ही इज वरीड अबाउट, या देखें ही एक प्रोनाउन है, ठीक है, मैंने राम की जगह पर ही लिख दिया और सीता के स्थान पर हर लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, दोनों प्रोनाउन को कौन जोड़ रहा है, वरीड अबाउट, देखो ही इज वरीड, वो परेशान है, अबाउट हर उसके लिए, तो देखो जो अबाउट है वो हर को और ही को आपस में जोड़ रहा है। नेक्स्ट देखें, ही इज वरीड अबाउट सीता, यहाँ देखें ही ये एक प्रोनाउन है लेकिन सीता एक नाउन है, लेकिन जो अबाउट है वो इनको जोड़ रहा है। देखो तो यहाँ पर एक प्रोनाउन को नाउन से कौन जोड़ रहा है,
एक प्रीपोजिशन अबाउट, इसी तरह राम इज वरीड अबाउट हर, यहाँ पर इसका उल्टा है। देखो एक नाउन को प्रोनाउन से कौन जोड़ रहा है, अबाउट प्रीपोजिशन। तो आप देख रहे हैं यानी प्रीपोजिशन या तो दो नाउन को आपस में जोड़ेगा, या फिर दो प्रोनाउन को आपस में जोड़ेगा, या फिर एक प्रोनाउन को नाउन के साथ जोड़ेगा, या फिर एक नाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर आपको? नेक्स्ट देखें कंजंक्शन। कंजंक्शन ये बहुत ही आसान सा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कंजंक्शन का मतलब आता है कि ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है, या तो दो वर्ड्स को जोड़ेगा या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो कंजंक्शन का मतलब बेसिकली दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या दो फ्रेज को जोड़ने के लिए। लेकिन आपको याद क्या रखना है, दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है कंजंक्शन के द्वारा। कुछ कंजंक्शन आप देख सकते हैं जैसे कि एंड, एंड से हम दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं, देन से जोड़ देते हैं, आइदर और से जोड़ देते हैं, या नाइदर नॉर से जोड़ देते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है कंजंक्शन के। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें राम एंड सीता वेंट टू मेरठ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राम एंड सीता वेंट टू मेरठ, इसका मतलब राम और सीता मेरठ गए, यानी राम मेरठ गया और सीता मेरठ गई। देखो अगर मैं इसको पूरी तरह से लिखूं तो ये ऐसे होगा, राम वेंट टू मेरठ, राम मेरठ गया एंड सीता वेंट टू मेरठ और सीता मेरठ गई। ये दो सेंटेंस थे अलग अलग, ये राम मेरठ गया और सीता मेरठ गई, लेकिन मैंने क्या काम किया, एंड कंजंक्शन लगाकर दोनों को एक सेंटेंस में लिख दिया। तो राम एंड सीता वेंट टू मेरठ, तो देखो एंड क्या था, एक कंजंक्शन था। तो इस एंड ने क्या काम किया, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। दो सेंटेंस कौन कौन से, राम वेंट टू मेरठ, सीता वेंट टू मेरठ। तो दोनों सेंटेंस को हमने कंजंक्शन एंड की सहायता से एक सेंटेंस बना दिया। तो कंजंक्शन का मतलब ही ये होता है कि ये दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक बना देता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें इंटरजेक्शन। इंटर मीन्स जो अंदर होता है हमारे, जो हमारा इंटर पार्ट होता है, जैसे हमारा दिल, इंटर मीन्स हमारा हार्ट, हमारा हृदय। तो जो बातें, जो एक्सप्रेशन, जो फीलिंग, जो इमोशन हमारे दिल से निकलते हैं, हमारे हृदय से निकलते हैं, वही कहलाते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि जब हम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इंटर से आपको याद रखना है अपना हार्ट, अपना दिल। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ वर्ड है जैसे कि हुर्रे, जब हम खुश होते हैं तो बोलते हैं हुर्रे, हम तो नहीं बोलते, अंग्रेज बोलते हैं, या हम बोलते हैं ओह, या हम बोलते हैं आ, या हम बोलते हैं वाव, ठीक है, या हम बोलते हैं व्हाट, या हम बोलते हैं उप्स, ठीक है, इस तरह के वर्ड होते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हुर्रे वी हैव वन द मैच, जब हम खुश होते हैं हम क्या बोलते हैं हुर्रे, खुश, खुशी से हम झूम जाते हैं और एक दिल से एक आवाज निकलती है हुर्रे वी हैव वन द मैच। और इंटरजेक्शन आपको ये भी ध्यान रखना कि इसमें एक इंटरजेक्शन मार्क आता है, यानी वन सा होता है उसके नीचे एक बिंदी, ये जहां भी आएगा आप समझ जाना कि इंटरजेक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं वाओ, ये फिर वर्ड आते हैं अलास, जब परेशान होते हैं तो हम बोलते हैं अलास। ठीक है, तो ये आर्ट जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, हमने आसानी से और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।